देखिए श्री राम वृंदावन में यमुना मैया का वो भयानक दृश्य। भगवान श्री कृष्ण जिस जगह पे कालिया नाग को मर्दन करने के लिए वृक्ष से कूदे थे, आज देखिए यमुना जी वहाँ तक आ चुकी हैं। ये है वो कालिदह, प्राचीन कालिदह, यह वो वृक्ष, और आपको दिखा पा रहे हैं हम पूरा पानी पानी ही, अद्भुत पानी का अद्भुत दृश्य, यमुना मैया का यह विशाल विकराल स्वरूप। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। वृंदावन में यमुना मैया का यह दृश्य अद्भुत है। ये प्राचीन कालिदह है। राधे राधे। प्राचीन कालिदह के पास और मदन मोहन ठाकुर जी का मंदिर तक, ये देखिए पूरा परिक्रमा मार्ग डूबा हुआ है यमुना जी के इस भयानक दृश्य। काफ़ी भक्त यहाँ पे आनंद भी ले रहे हैं। अब धीरे धीरे ये वो स्थान है जो कुंभ स्थल क्षेत्र जिसे कहा जाता है, और आप देख पा रहे हैं पूरा ये क्षेत्र जलमग्न है। ये सामने मोक्ष धाम है जहाँ पर अंतिम संस्कार होता है। सारा रिकॉर्ड है कि 1978 के बाद अभी तक ऐसा नहीं आया था, लेकिन इस बार ऐसा पानी आया। यमुना जी का यह दिव्य और विकराल स्वरूप देखने को मिल रहा है। अब हम पहुंच चुके हैं धीरे धीरे टटिया स्थान का यह गौशाला देखिए। सभी गौ माता को निकालने के लिए गाड़ी लगातार प्रयासरत है, और सभी गौ माता पानी में खड़ी हैं। ये देखिए गौशाला भी डूब चुका है, वृंदावन डूब रहा है। आधा वृंदावन लगभग डूबने की स्थिति में आ चुका है। प्रायः लगभग दिखा रहे हैं जो जितना भी वृंदावन के खादर की ज़मीन है, खादर में जो लोगों ने मकान बना रखा है, सब डूबने की स्थिति पर आ चुका है। पानी भर चुका है, आप देख रहे हैं अध्यात्म मीडिया। ये आश्रम अन्नपूर्णा वेद विद्यालय जहाँ विद्यार्थी रहते हैं, आप देख पा रहे हैं ये भी जलमग्न है और पूरा पानी से डूबा हुआ है।